नमस्ते दोस्तों, आज हम एक घाटी में घटा भयंकर छलावाद देखने वाले हैं। कुछ कुछ जगहें ऐसी होती है जहां पर बहुत सी दुर्घटनाएं घटी हुई होती है और उसमें बहुत से बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। कुछ ऐसे ही भूतिया घटना उस घाटी में घटी थी जो आज हम आपको इस कहानी में बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। ये कहानी 2003 साल की है। उस दिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ऐसी वर्ल्ड कप की फाइनल मैच शुरू थी। ये कहानी मेरे एक दोस्त के गांव में घटी थी। उसके गांव में किसी की शादी थी, लेकिन वो शादी एक सिटी में थी, इसलिए उन्होंने गांव वालों को और गांव के सारे बारातियों को हॉल तक ले जाने का फैसला किया। फिर भी गाँव से उस हॉल तक का अंतर लगभग 1 से 2 घंटे के दूरी पर था। जिनकी शादी थी उन्होंने बारातियों के लिए ट्रैवलर गाड़ी की सुविधा उपलब्ध की थी। उस गांव की 12 औरतें उस शादी में जाने के लिए निकली। अच्छे से सज धज के वो ट्रैवलर्स गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। उस गांव में ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए उस ट्रैवलर्स गाड़ी के 7-8 ट्रिप में ही सारे बाराती उस हॉल तक आराम से पहुँचने वाले थे। और उस ट्रैवलर्स के लगभग 6 ट्रिप हो चुके थे और सारे बाराती उस हॉल तक पहुँच चुके थे। अब पूरे गांव में सिर्फ वो 12 औरतें ही बची थी। उनको सजने धजने में थोड़ी देर हो गई और उस ट्रैवलर्स गाड़ी के आखिरी ट्रिप में उन 12 औरतों का समावेश था। वो औरतें ट्रैवलर्स गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में वो ट्रैवलर्स गाड़ी वहां दाखिल हुई और सारी औरतें उस गाड़ी में बैठी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। उस आखिरी ट्रिप को बहुत ही देर हो चुकी थी और उस शादी का मुहूर्त भी नज़दीक आ रहा था। और वो जो ड्राइवर था उसे भी क्रिकेट का बहुत बड़ा शौक था। वो कोई भी मैच मिस नहीं करता था और उसमें उस दिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की फाइनल वर्ल्ड कप मैच थी और इतनी ज़रूरी मैच वो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। और शायद इसीलिए वो गाड़ी बहुत ही तेज़ी से चला रहा था। उनके गाँव से हॉल तक जाने के रास्ते में एक घाटी आती थी और आपको तो पता ही होगा कि घाटी के रास्ते कैसे होते हैं और घाटी से गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी की रफ्तार कितनी धीमी होनी चाहिए। लेकिन वो ड्राइवर कुछ भी करके जल्द से जल्द उन 12 औरतों को हॉल तक पहुंचाना चाहता था और फिर आराम से मैच देखना चाहता था, इसीलिए वो घाटी आने के बावजूद तेज़ी से ही गाड़ी चला रहा था। उन पीछे बैठी हुई औरतों ने उसे बहुत बार कहा कि घाटी है, रफ्तार धीमी करो, क्योंकि उस घाटी के रास्ते आड़े टेढ़े थे और सामने से कोई भी गाड़ी अगर आ जाती तो दिखना भी नामुमकिन था। लेकिन आखिर तक उस ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की। थोड़ा ही समय हुआ होगा उतने में उस ट्रैवलर्स के सामने अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक आया और ट्रैवलर्स की रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से ट्रैवलर्स का ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और दोनों को भी कुछ समझने से पहले ट्रैवलर्स गाड़ी उस बड़े से ट्रक पर जाकर टकराई और एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। वो ट्रक बड़ा होने के कारण उसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन इनकी ट्रैवलर्स बगल में ही स्थित एक खाई में गिर गई और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। इतने ऊपर से उस खाई में गिरने की वजह से वो 12 औरतें और वो ट्रैवलर्स का ड्राइवर सबको अपनी जान गंवानी पड़ी। उस ड्राइवर की एक गलती की वजह से उन 12 औरतों को अपनी जान हमेशा हमेशा के लिए गंवानी पड़ी थी। देखते देखते ये खबर पूरे जिले में फैल गई। उस दिन शादी तो हुई, लेकिन उस गांव में हर जगह दुखद वातावरण था, क्योंकि उस गांव की 12 औरतें एक ही दिन एक ही जगह पर भगवान को प्यारी हो गई थी। फिर उसके बाद उन 12 औरतों के अंतिम संस्कार वगैरह किए गए। लेकिन उस घटना के लगभग एक हफ्ते बाद उसी घाटी से एक बस जा रही थी। रात का समय होने की वजह से वो बस ड्राइवर गाड़ी को धीरे धीरे चला रहा था। उस बस में ज़्यादा लोग नहीं थे, फिर भी तकरीबन 10-15 लोग होंगे। जैसे ही बस उस घाटी पर चढ़ी, उस ड्राइवर ने बस की रफ्तार कम की और वो एकदम गंभीरता से वो बस चला रहा था। उसने लगभग आधी घाटी पार की और सिर्फ आधी घाटी ही बची थी। वो थोड़ा आगे गया और उसे उस रास्ते पर जो कुछ भी दिखा वो देखकर वो सोच में पड़ गया। रात के लगभग 12 बज रहे थे और उस रास्ते पर कुछ औरतें एकदम सज धज के लाइन में खड़ी थी और जैसे ही बस उनके पास पहुंची, वो उस बस को हाथ दिखाने लगी
वो सब देखकर उस बस ड्राइवर के पसीने छूट गए, क्योंकि कौन सी औरतें इतने रात में सज धज के भयानक घाटी में आती है। उस बस ड्राइवर ने कुछ दिन पहले ही वो 12 औरतों के दुर्घटना के बारे में सुना था। उसे पता था कि इस घाटी में 12 औरतों की मौत हो गई है और वही 12 औरतें उसके रास्ते में खड़ी थी। वो ड्राइवर समझ गया कि ये कोई मामूली औरतें नहीं है, इतने रात में वहाँ कौन सी औरतें आएंगी। लेकिन उन औरतों को वहाँ देखकर वो ड्राइवर बहुत ही डर गया। उसे वो दृश्य सहन ही नहीं हुआ। जैसे ही बस उन औरतों के पास पहुंची, उस ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ गया और उसका बस पर से कंट्रोल छूट गया। उस घाटी में एक तरफ खाई थी और एक तरफ पहाड़ था, लेकिन उस बस में बैठे लोगों का नसीब इतना अच्छा था, इसलिए उनकी बस खाई में गिरने की वजह से पहाड़ पर टकराई और ये दुर्घटना भी बहुत ही भीषण थी। उसमें कुछ लोग बेहोश हो गए तो कुछ लोग घायल। लेकिन फिर आगे जो कुछ भी हुआ वो सब देखकर जो लोग होश में थे वो भी बेहोश हो गए, क्योंकि उनके बस की दुर्घटना हुई थी और वो बगल के पहाड़ पर टकराई थी। उतने में कुछ औरतों के बात करने की आवाज़ उस बस में बैठे लोगों को सुनाई दी और उसके बाद वो औरतें बस पर जोर जोर से हाथ मारने लगी और कहने लगी, हमें हमारे गांव ले चलो, नहीं तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसा आवाज बाहर से आने लगा। ये सब सुनकर जो लोग होश में थे वो भी होश गवा बैठे। लेकिन भगवान की कृपा से एक पुलिस की गाड़ी उसी घाटी से जा रही थी। उनकी नजर उस दुर्घटना हुए बस पर गई और उन्होंने तुरंत मदद बुलाकर सारे यात्रियों को हॉस्पिटल में पहुंचाया। सौभाग्य से किसी भी यात्री को जान गंवानी नहीं पड़ी। जो बस का ड्राइवर था उसको भी माइनर हार्ट अटैक आया था, इसीलिए वो भी उस दुर्घटना से बच गया। लेकिन फिर उस दिन के बाद ये घटना गांव-गांव तक पहुंच गई और ऐसे बहुत से अनुभव उस घाटी से यात्रा करते वक्त बहुत से लोगों को आ गए। देखते देखते उन 12 औरतों की चर्चा बढ़ती ही जा रही थी और जिसने भी रात के समय उस घाटी से सफ़र किया था उसको उनका अनुभव आया था। लोग रात में उस घाटी से सफ़र करना टालने लगे। मेरा एक दोस्त भी उस गांव में रहता था, लेकिन अब उसकी छुट्टी ख़त्म होने वाली थी। वो भी उसी शादी के लिए गांव गया था। उसने उसके कॉलेज से 8 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन गांव में इतनी बड़ी दुर्घटना होने के कारण अब उसे गांव में रहते हुए 15 दिन के ऊपर हो चुके थे। और एक दिन उसके एक दोस्त का उसे फ़ोन आया कि कॉलेज में एक ज़रूरी सबमिशन है और वो किसी भी हालत में सबमिट होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट किए जाएंगे। ये सब सुनने के बाद मेरे दोस्त को कुछ भी करके उसके कॉलेज जाना था, लेकिन उसके घर वाले बहुत ही चिंता में थे, क्योंकि उसके गांव से कॉलेज जाने वाले रास्ते में भी वही घाटी आती थी जहां पर उन 12 औरतों की दुर्घटना हुई थी और वो सब मामला बिल्कुल ताज़ा था। और कुछ ही दिन पहले उस बस के साथ भी एक हादसा हुआ था। लेकिन मेरे दोस्त के पास कुछ और चारा नहीं था। उसने उसकी बाइक ली और उसके साथ उसके भाई को लिया और दोपहर के समय निकल पड़ा। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के बाद लगभग शाम के 7 बजे तक वो उस घाटी पर पहुंचा। घाटी लगते ही उसने बाइक रुकाई और बोला, रितेश आगे जाए कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, वो 12 औरतें हमें दिखी तो। उसके भाई का नाम रितेश था और वो औरतें उसी के गांव की होने के कारण वो उन्हें अच्छे से जानता था, इसीलिए उसके मन में भी थोड़ा डर था। लेकिन उसका भाई बोला, अरे डर मत, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी घटनाएं सुनी है उसमें वो औरतें सिर्फ बड़ी गाड़ियां मतलब बस ट्रक ऐसे ही गाड़ियों के सामने आती है, बाइक के सामने नहीं आती, चल चलते हैं। ये सब सुनकर मेरे दोस्त ने फिर से बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। उस रास्ते पर अब कोई नहीं था, क्योंकि रात के समय वैसे भी कोई ज़्यादा घाटी में सफ़र नहीं करता और उस दुर्घटना के बाद घाटी से सफ़र करना लोगों ने बंद कर दिया था। वो दोनों भगवान का नाम लेकर धीरे धीरे बाइक आगे बढ़ाने लगे। उन्होंने सोचा था कि अगर जरा भी किसी भूतिया घटना की उन्हें आहट हुई तो तुरंत बाइक घुमा के पीछे चलेंगे। उन्हें अब तक के सफ़र में एक भी गाड़ी नहीं मिली थी, मतलब उस पूरे घाटी में ये दोनों ही थे जो सफ़र कर रहे थे। काले अंधेरे को काटते हुए उनके बाइक की हेडलाइट आगे बढ़ रही थी। उन्हें आड़े टेढ़े रास्ते लगने शुरू हो गए थे और जैसे जैसे वो घाटी चढ़ रहे थे वैसे वैसे वातावरण भी ठंडा हो रहा था। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। अब वो ठंड से कांप रहे थे या डर से वो उन्हें ही पता। उन्होंने एक बड़ी चढ़ान पार की और अचानक उनकी बाइक बंद हो गई। अभी तक उनके बाइक को कुछ नहीं हुआ था,
और अब अचानक बाइक बंद हो गई थी। अब आप ही सोच के देखिए, आप एक ऐसी जगह से जा रहे हो जहाँ कुछ दिन पहले कुछ लोगों की मौत हुई है, और रात में अचानक आपकी बाइक बंद हो जाए तो कौन नहीं डरेगा। वो दोनों काफ़ी डर गए और मेरा दोस्त उसके कांपते हुए पैरों से किक मार रहा था, लेकिन बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। और उतने में बाइक की हेडलाइट बंद हो गई और एकदम से घना अंधेरा छा गया। चारों तरफ सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहे थे। उतने में रितेश ने कहा, रुक मैं देखता हूँ, और वो बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उस समय उनकी क्या हालत हुई थी ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। देखते देखते उस शांत वातावरण में एक आवाज़ घूमी। उन्हें ऐसी आवाज़ आ रही थी कि कोई औरतें हंस रही है, झगड़ा कर रही है। ये सब सुनकर तो उनके हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे। वो समझ गए कि अब उनका बचना नामुमकिन है। उतने में रितेश ने दिमाग लगाया। उसने बाइक गियर में से निकाली और पीछे चलाने लगा। क्योंकि वो घाटी चढ़ रहे थे इसलिए ऊपर जाना तो नामुमकिन था, लेकिन घाटी उतरना तो एकदम आसान था। उसने मेरे दोस्त को पीछे बैठने के लिए कहा और धीरे धीरे घाटी उतरने लगा। उनकी बाइक की हेडलाइट भी चालू नहीं थी। उस अंधेरे में और खाई वाले रास्ते से वो कैसे सही सलामत नीचे उतरे ये सिर्फ भगवान जाने। वो उस घाटी से उतरे और बाइक को धक्का मार मार के पेट्रोल पंप तक ले गए। उन्होंने उस पूरे समय में गलती से भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब मेरा दोस्त और उसका भाई पेट्रोल पंप पर पहुंचे और उन्होंने बाइक स्टार्ट करके देखी, तब एक ही किक में वो बाइक स्टार्ट हो गई। वो समझ गए कि उनका वक्त खराब था। वो दोनों वैसे ही वहां से घर चले गए। उन्हें देखकर उनके घर वाले चौंक गए। फिर उन्होंने सारी घटना अपने घर वालों को बताई। फिर उनके घर वालों ने उनके ऊपर से नारियल वगैरह उतारा। लेकिन फिर धीरे धीरे उस घाटी में घटने वाली दुर्घटना बढ़ने ही लगी और अब ये मामला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच चुका था। तब से सारे गांव वालों ने मिलकर उस जगह पे जहाँ पे वो 12 औरतों की मौत हुई थी वहाँ पे पूजा और हवन किया। तब से उन दुर्घटनाओं की तादाद कम होने लगी। लेकिन दोस्तों, उस कहानी को बहुत साल हो गए हैं और आज के समय में वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।